अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। आज मैं ये धान के खेत में खड़ा हूं तो धान की शार्ट एडवाइजरी के वाले से मैं बात करना चाह रहा हूं। धान का अगर पत्तों का देखें तो आपको वहां पे ब्लाइट के जो असरात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं वीडियो में मज़ीद क्लियर भी करूँगा। तो ये मेरे हाथ में जो पत्ते हैं ये इन पर ब्लाइट का असर है, ब्लास्ट का भी असर मौजूद है, पत्ता लपेट के परवाने भी मौजूद हैं, उनके एग्स की ये जो थैलियाँ हैं जो एग्स हैं उनके ये भी मेरे हाथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेन जो चीज़ है इस वक्त धान की, जो लेट धान लगाया गया, जैसे आप मेरे पस मंज़र में ये नीचे वाला देख रहे हैं, तो ये टिलरिंग स्टेज में ये टिलरिंग बना रहा है, तो इसको इस वक्त खाद की बहुत ज़रूरत है कि खाद इसकी 30 से 45 दिन के अंदर मुकम्मल करनी चाहिए। तो जो धान इस वक्त मैच्योरिटी के करीब है, गब्बे पे है, जिसको हम कहते हैं बूटिंग स्टेज पे है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो बूटिंग स्टेज पे आके आप एक स्प्रे जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और ब्लाइट का खास करके जहाँ पे मसला हो तो वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर आप स्प्रे कर दें तो उससे वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। उसके बाद भपके के जो ब्लास्ट के स्प्रे हैं वो आपको 2 से 3 करने चाहिए, उसमें कसोगामाइसिन है, फ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है, डाइफेनोकोनाजोल है, मुख्तलिफ इस तरह के जहरें मौजूद हैं, उनको करना चाहिए स्प्रे कर लें। 2 से 3 स्प्रे रिकमेंडेड हैं, लाजमी करने चाहिए। अगली बात आ गई पता लपेट की, तो पता लपेट के हवाले से इसके पास परवानों की बहुत आत है, फील्ड में नज़र भी आ रहे हैं, दोनों तरह के आ रहे हैं, सफ़ेद पोश्त वाले भी और दूसरे जो पीली पोश्त वाले हैं जो वो भी नज़र आ रहे हैं। तो दोनों के लिए आप लैम्डा साइलोथ्रीन का स्प्रे है, अच्छा रिजल्ट देता है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। एक और मैं बात करूंगा कि ट्राइएजोफास, क्लोरपेरीफास और थायमेथॉक्सम इस तरह की जो जहरें हैं ये धान पे बैन हो चुकी हैं, आलमी पस मंज़र में हम इसको इस्तेमाल ना करें ताकि इनके रेजिडुअल इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा ना जाएं। और एक और अफ्लाटॉक्सन होती है हमारे धान की में जो नमी ज़्यादा होने की वजह से होती है, तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो ट्रेड है उसके लिए मुज़र होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस वक्त धान की 3-4 चीज़ों पर मैनेज करें, जो ट्रिलिंग स्टेज पर उसको फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, जिंक अप्लाई करें, जो पत्ता लपेट के लिए लैम्डा साइलोथ्रीन का स्प्रे जो है या रिजेंट का स्प्रे कर सकते हैं, उसके बाद आ गई हमारे भपका और ब्लाइट, ब्लाइट के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, या स्ट्रिप्टोमाइसिन का टीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आ गया ब्लास्ट, ब्लास्ट के लिए कसोगामाइसिन है, नटिवो के नाम से एक स्प्रे मौजूद है, फ्लॉक्सिस्ट्रोबिन के नाम से मौजूद है, जिसे विटो के नाम से देते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा मैसेज देने की कोशिश की है कि धान के हमारी धान की जो फसल है वो बेहतर हो जाए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और मालूमात के लिए हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।